गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बताने जा रहे हैं हाउ टू स्पीक द गैदरिंग, हाउ टू एड्रेस द गैदरिंग, कैसे आपको बोलना है। हम लोग बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, लेक्चर प्रोफेसर जब बनने के बारी आता है हम बच्चे लोग के सामने पढ़ा नहीं पाते, बीए कर लेते हैं, एमएलडी कर लेते हैं, लेकिन जब टीचर क्वालिफाई कर देते हैं नीट या UGC एग्जामिनेशन, हम जो नेट एग्जाम या फेलोशिप एग्जाम कर देते हैं, जब हमको नौकरी मिलता है हम बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए हमको नर्वस फील होता है, कम्युनिकेशन नहीं है। या आपने कहीं लीडर बना, या स्कूल में कुछ डिबेट कॉम्पिटिशन हुआ, या आपने कहीं नौकरी किया, किसी को वेलकम सेरेमनी या किसी की रिटायरमेंट सेरेमनी में कुछ दो शब्द बोलने के लिए भी आपको कम्युनिकेशन जो डिलीवरी करना है, कैसे बताना है, कैसे स्पीच देना है, उस समय गैदरिंग को देख के डर लगता है, नर्वस लगता है, हाथ पैर कंपने लगता है, प्यास लगने लगता है, ब्रीदिंग अनकंट्रोल हो जाता है। ये सारी चीजें के लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, ताकि कि आपकी बहुत बढ़िया से आप स्पीक को, आपकी जो इंफॉर्मेशन को आपका स्पीच माध्यम से ऑडियंस को आप दे पाओ। सर्वप्रथम मैं ये बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला, ये मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, आज मैं जो डिलीवरी आपको कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं जो अध्ययन किया उसके ऊपर बेस करके मैं आप लोग को मेरा आइडिया शेयर कर रहा हूँ। ये बात समझे कि ये आइडिया मैं कहीं से लिया, क्योंकि ये मेरा तजुर्बा है, इट इज माई एक्सपीरियंस हाउ आई कैन द नॉलेज टू स्पीक यू पीपल। मैं मेरे एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। फर्स्ट ये जो फॉर्मूला है AMP, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड आपका ऑडियंस, ऑडियंस का लेवल, ऑडियंस की इंटेलिजेंस, ऑडियंस की कैटेगरी, ऑडियंस का एजुकेशन लेवल, ऑडियंस टेक्निक टेक्नोक्रेसी, whether your subject is engineering or non-engineering or any professional or any political, so किस प्रकार ऑडियंस आपके सामने बैठे हैं और उनके सामने आपको कम्युनिकेशन करना और इंफॉर्मेशन डिलीवरी देना और आपको स्पीच देना, स्पीक करना, फर्स्ट यू लर्न अबाउट टू फर्स्ट ए ऑडियंस, देन ओनली योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी सेट अकॉर्डिंगली, कि ये ऑडियंस के सामने मुझे ये बात करना है। देन जो टॉपिक आप जा रहे हैं बोलने के लिए उसका स्टडी मटेरियल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप जाके तो नॉन सब्जेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑडियंस आपको सुनेगा, आपका कॉम्युनिकेशन माध्यम से जो इंफॉर्मेशन लेगा वो दूसरों को भी शेयर करेगा और या फिर सेल्फ इंप्लीमेंट करेगा। तो इसलिए परफेक्ट डीप कोर मटेरियल होनी चाहिए, ताकि जो ऑडियंस को कन्विंस प्रॉपरली कर सकते हो। यहां पे मैं एक वर्ड बोलना चाहूंगा, क्योंकि ऑडियंस इज फोकसिंग यू टू कन्विंस हाउ यू आर गोइंग टू कन्विंस देम, यू कैन नॉट कन्फ्यूज देम। इफ यू आर नॉट एबल टू कन्विंसिंग देम प्रॉपरली, आई मीन टू द ऑडियंस, डोंट कन्फ्यूज देम। Why? Because your confusion will be multiplied here and there. एक wrong information multiply हो जाएगा. So for that study materials are very very necessary. Maybe notebook, maybe topic, maybe news channel से हो या latest news हो या फिर कहीं Wikipedia हो, कहीं library हो, you have to collect the materials. Then P, आप जो speak करने जा रहा है उसके लिए आपकी स्टाइल होनी चाहिए, पसंद होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टाइल ऑफ पसंद। आपका स्टाइल होनी चाहिए, ऑडियंस आपको अट्रैक्ट हो जाए, फोकस आपका ऊपर हो, यू शुड बी एग्जाम्पलरी होना चाहिए, आप उदाहरण देते रहिए हियर एंड देयर,
ऑडियंस को कॉन्सेंट्रेट करना आपका काम है, दे हैव टू लिसन यू। आप नॉन सब्जेक्ट को अगर बात उनके सामने रखेंगे, दे विल नॉट कॉन्सेंट्रेट टू यू, हो हल्ला शुरू हो जाएगा, गप सप चालू हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट करना है आपका टॉपिक के साथ, उदाहरण को कोरिलेट करिए, वो पर्टिकुलर एरिया का क्या एग्जाम्पल है, ताकि कि मोर अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि उनका एरिया में जो लाटेस्ट है हिस्ट्री, वो गांव का पर्टिकुलर होगा या कोई पर्टिकुलर शहर का होगा या पर्टिकुलर टॉपिक का होगा। लाटेस्ट क्या है, जो लाटेस्ट नॉलेज उनके पास नहीं होगा, वो इंफॉर्मेटिव के साथ कोरिलेट करिए, दे विल बी मोर अट्रैक्टिव टू यू। ये स्टाइल ऑफ पासिंग में होनी चाहिए। नेक्स्ट, मैं आ रहा हूं 3A प्रिंसिपल। आप जो बोल रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय 3A? 3A इज यू शुड बी ऑथेंटिसिटी, जो होनी चाहिए वो ऑथेंटिकली होनी चाहिए। आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, सपोज आपने एक एग्जांपल बोल रहे हैं, पर डे वाटर पर पर्सन, दैट इज एवरेज रिक्वायरमेंट इज 100 लीटर 50 लीटर 200 लीटर पर डे पर पर्सन। आज हम देखें मिनिमम 50 लीटर मैक्सिमम 100 लीटर पर डे, नहाने से लेकर सो, टॉयलेट से लेकर, पीने से लेकर, एवरीथिंग। आप अगर ये एग्जांपल का जगह आप बोलोगे 10 से 15 लीटर, देन इट इज नॉट ऑथेंटिक, देन इज नो ऑथेंटिसिटी प्लीज। सो व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जांपल, बिकॉज ऑथेंटिसिटी के लिए एग्जांपल देता हूं, जो आपने बोलने जा रहा है इट शुड बी ऑथेंटिकली करेक्ट, प्लस माइनस एरर 1% 2% ऑल्सो मैनेजेबल, बट नॉट 90% ऑथेंटिसिटी नहीं होगा, वो मैनेजेबल नहीं होगा। अवेयरनेस, नेक्स्ट ए इज अवेयरनेस। आपको नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए, तब जाके आपको वो टॉपिक को आपने डिलीवर कर पाएंगे, और टॉपिक के बारे में आपका अवेयरनेस होनी चाहिए, ऑडियंस के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, मटेरियल के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, प्लेस के बारे में कहां जा रहा है आपका नॉलेज होनी चाहिए, किसी गैदरिंग को आप एड्रेस करने जा रहा है आपका अवेयरनेस होनी चाहिए, कितना टाइम के ऊपर आप जा रहा है स्पीच देने के लिए वो अवेयरनेस होनी चाहिए, कितनी समय की आपका डिजाइन है टॉपिक बोलने का टाइम लिमिटेशन वो आपका नॉलेज होनी चाहिए, सारी चीजें अवेयरनेस होनी चाहिए, देन ओनली यू आर ए गुड स्पीकर, यू कैन स्पीच वेरी वेल, अदरवाइज यू कैन नॉट। एंड थर्ड इज ऑडेसिटी, व्हाट एवर यू आर कम्युनिकेटिंग यू शुड बी ऑडियबल टू द ऑडियंस। हो सकता है कुछ जगह में 1000 लोग बैठे, माइक खराब हो गया, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पीए सिस्टम खराब हो गया, माइक खराब हो गया, तो आपका आवाज इतनी बुलंदी होना चाहिए, अच्छा होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन की क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि कि ऑडियंस बिना माइक में भी कुछ हद तक सुनाई पड़े सकता है। सो दैट शुड बी ऑडियंस। ये 3A प्रिंसिपल बोला। नाउ कमिंग टू द 4P प्रिंसिपल, आप एक अच्छा स्पीकर होने के लिए हाउ टू स्पीक प्रॉपरली, स्पीच देने के लिए वो आइडिया मैं देता हूं। पहले आपको प्रोजेक्शन करना पड़ेगा, पहले रिहर्सल करना पड़ेगा कि मैं ये करने जा रहा हूं, उससे पहले आप प्रोजेक्ट कर लीजिए आप कैसे देना चाहते हो, आइदर वर्बली पावर पॉइंट में देना चाहते हो, या डैशबोर्ड में देना चाहते हो, या लाइव में देना चाहते हो, या रिकॉर्डेड में देना चाहते हो, ये सारी चीजें को पहले प्रोजेक्शन कर लीजिए। सेकेंड भी पेस, सो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, इट इज द वर्ड इटसेल्फ इज ए सेल्फ एग्जांपल। एंड पिच, आप लिमिटेशन में रहिए, पिच में रहिए, दायरा में रहिए, कंट्रोल में रहिए, लिमिटेशन में रहिए, और आप किसी एरिया को जाते हो, किसी टॉपिक के पिच में आप घुसना चाहते हो, टॉपिक में भी भाग, बट पर्टिकुलर कोर्स
पिच में रहिए, जो समय जिसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं यू शुड बी इन पिच ऑलवेज, देन पॉजेस। आप ऑलवेज कोशिश करना कि आप जो डिलीवरी कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, आपका लास्ट बेंच में, लास्ट ऑडियंस तक आपका इंफॉर्मेशन जब तक नहीं पहुंचा है, सेकेंड डिलीवरी ऑफ द वर्ड्स और फ्रेजेस और सेंटेंस मत बोलिए। लेस्ट इको शुड बी रिटर्न बैक टू यू, योर वॉइस इको शुड बी रिटर्न बैक टू यू, देन द नेक्स्ट डिलीवरी शुड बी डन। अदरवाइज ओवरलैपिंग ऑफ योर इंफॉर्मेशन विल बी नॉट ऑडिबल टू द ऑडियंस एंड दे विल नॉट लिसन, दे विल नॉट पे कंसेंट्रेशन टू यू। देन लास्ट एसी प्रिंसिपल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रिंसिपल हमने माई ओन एक्सपीरियंस में जो मैंने गेन किया वो सब बता रहा हूं, वो आगे आपको बता रहा हूं, मैं कोई किताब से कॉपी करके नहीं बता रहा हूं, ये मेरे माई ओन एक्सपीरियंस में बता रहा हूं। आज जो भी मैं बोल रहा हूं, देखिए मेरे को हिंदी बिल्कुल मालूम नहीं था, आपको ग्रेजुएशन मैंने लर्न किया, मैंने हिंदी सीखा और आज आपको बता रहा हूं, और इंग्लिश में मैं ग्रामीण इलाके में मेरा मदर टंग उड़िया में मैंने पढ़ाई किया, बट टुडे आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश वेरी वेल बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट एंड नॉलेज, और मैंने जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया थ्रू आउट माई कैरियर इन प्रोफेशनल कैरियर, हमने आप लोग के लिए ये सब बनाया, ये कोई लिमिटेड आइडियाज नहीं है, इससे और आने का आइडियाज भी हो सकता है, ये मेरा एक्सपीरियंस की आइडिया है, सो दैट यू कैन एड्रेस गैदरिंग, यू कैन स्पीक वेरी वेल विथ योर स्पीच। वो मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये आप लोग को कॉन्फिडेंट नहीं कर रहा कि इसका अलावा और कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरा जो आइडिया है जो आप गैदर करने से, इसको इंप्लीमेंट करने से, अडॉप्ट करने से, एक्सेप्ट करने से और इसको अमल करने से आपको बेनिफिट होगा, आपको स्पीक वेरी वेल एंड यू बिकम द गुड स्पीकर। नाउ कम टू द एट सी प्रिंसिपल, व्हाट इज द फर्स्ट सी, फर्स्ट यू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, आप जब गैदरिंग को जा रहे हैं यू शुड बी कंफर्टेबल फील करना है, कंफर्ट फील करना है। सेकेंड आपका कैरिंग होनी चाहिए कि मैं ऑडियंस का क्या करूं, एंड दे विल टेक केयर टू यू ऑल्सो, कैरिंग नेचर होनी चाहिए, सब्जेक्ट के प्रति हो, क्या नेचर ऑडियंस के प्रति, प्लेस के प्रति, लैंग्वेज के प्रति, कौन सा टॉपिक में आप डिलीवरी करने जा रहा है, ऑल दोस थिंग्स कैरिंग नेचर आपकी होनी चाहिए, एंड वेरी पोलाइट होनी चाहिए, सिंपैथेटिकली होनी चाहिए, एग्रेशन नहीं होनी चाहिए, एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट, आप खुद को कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं ये टॉपिक के ऊपर मास्टर हूं, इंफॉर्मेशन देने के लायक हूं और मैं उनको कन्विंस करा सकता हूं, समझा सकता हूं, वो आत्मविश्वास आपके ऊपर होनी चाहिए, क्रेडिबल होनी चाहिए, यू शुड बी क्रेडिबल अबाउट द टॉपिक, अबाउट द प्लेस, अबाउट द ऑडियंस, अबाउट द मैटर, अबाउट द टाइम, एवरीथिंग। एंड नेक्स्ट सी जो है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नेक्स्ट जो मैं बोल रहा हूं अभी, दिस इज योर फोर्थ, इट शुड बी योर टॉपिक एंड यू शुड बी चैरिस्मेटिक होनी चाहिए, अदरवाइज इफ इट इज नॉट देन वंस यू फेल यू कैनॉट बी ए गुड स्पीकर, एंड जो भी आप बोल रहे हैं उसकी एक कंटेंट होनी चाहिए, बिगनिंग हम्बल होना चाहिए, इंट्रोडक्शन हम्बल होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्टिव हम्बल होना चाहिए, आपकी परिचय हम्बल होना चाहिए, नहीं तो एंडिंग शुड नॉट बी बिगिनिंग एंड बिगिनिंग शुड नॉट बी एंडिंग। माय डियर फ्रेंड्स, जो धाराएं हैं बिगिनिंग कंटेंट में, बिगिनिंग हम्बल बिगिनिंग, देन सब्जेक्ट, देन एनालिसिस,
देन रिजल्ट, देन समरी. दिस हैज टू बी फॉलोड ड्यूरिंग योर गैदरिंग्स. गैदरिंग को ऑडियंस को देने के लिए ये आपका पास कंटेंट में होनी चाहिए, देन आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा बताने के लिए आप सामर्थ्य हो पाओगे. अदरवाइज ऑडियंस आपको सम्मान नहीं देगा, आपका आपको लिसन नहीं करेगा और आपका सब्जेक्ट मैच्योरिटी नहीं होगा फॉर व्हिच यू हैव गॉन टू स्पीक, वो आपका सक्सेस नहीं होगा. देन जो भी आप बोल रहा है इट शुड बी क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, शुड बी अकाउंटेबिलिटी विथ योर प्रोफेशनलिटी एंड इंटीग्रिटी. ये नहीं है तो नहीं है. आप कभी नहीं बोलना हम कर दिया, यू शुड. आप ये नहीं बोलना कभी मैं कर दिया, हमेशा बोलना हम किया. आप लोग हैं तो हम हैं, आप लोग नहीं हैं तो मैं नहीं हूं. इंटीग्रिटी, सबको लेके चलना. क्लैरिटी होनी, जो आप स्पीक कर रहा है इट शुड बी क्लैरिटी. एंड लास्ट इज कम्युनिकेशन. आप जो कम्युनिकेशन कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन आप डिलीवरी कर रहा है, जिसको आप स्पीक बोलते हो या स्पीच बोलते हो, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर होनी चाहिए. प्रोनाउंसिएशन जो है अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. मीनिंग जो है सरल होनी चाहिए. भाषा जो है वो एरिया को देखते हुए लैंग्वेज होनी चाहिए. बिकॉज आपने ऑडियंस को कहा तमिल में और हिंदी बोल रहा है, उन लोगों कुछ लोग समझेंगे वो नहीं. आपको ये चूज करना पड़ेगा कि मेजोरिटी कौन सा भाषा चल रहा है, वो भाषा की कोशिश करिए ऑडियंस को बोलने के लिए, या फिर सर्वोपरि हिंदी, अपना ओन लैंग्वेज, देश की हिंदी लैंग्वेज, या बीच बीच में उन लोग का एरिया का लैंग्वेज को अगर जानते हो वो लैंग्वेज में भी आप मिश्रण कर सकते हो. जिस लैंग्वेज में ऑडियंस आपका भाषा का अर्थ समझ सके वो कम्युनिकेशन करने के लिए प्रयास करिए. अगर ये 8C, 4P, 3A एंड ए है AMP, तो आप एक अच्छा स्पीकर होने के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता है. मेरा ये हाउ टू स्पीच, हाउ टू प्रोवाइड द स्पीच इन द मास एरिया ऑफ गैदरिंग, मैंने एक छोटा सा आइडिया दिया है और ये आइडिया को अगर आप अमल करेंगे बहुत आप एक अच्छा स्पीकर बन के आप अपना गैदरिंग को संबोधन कर सकते हो और ऑडियंस की आशीर्वाद ले सकते हो. धन्यवाद.